तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान रे भैया, संपत्ति संच ही सुजान। प्रणाम दोस्तों, बड़ा ही प्यारा दोहा। यहाँ पर रहीमदास जी हमें बड़ा ही प्यारा संदेश देते हुए कहते हैं कि कभी भी सज्जन व्यक्ति अपने लिए संग्रह नहीं करता है, उसका संग्रह केवल और केवल परमार्थ के लिए होता है, यानी कि दूसरों के हित के लिए होता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर साधु और सज्जन लोग एकत्रित तो करते हैं, लेकिन हमेशा उनका संग्रह करना परमार्थ, किसी के काम आए, किसी गरीब व्यक्ति के काम आए या किसी के कल्याण के लिए काम आए, यही उनका उद्देश्य होता है। यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं तरुवर, अब तरुवर का अर्थ वृक्ष से है, फल नहीं खाते हैं। जिस प्रकार से एक वृक्ष अपने फल खुद नहीं खा जाता, उसके फल दूसरों के लिए होता है। और आगे उदाहरण देते हैं, सरोवर पियत न पान। सरोवर यानी कि तालाब, तालाब कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीता, उसका पानी दूसरों के लिए होता है। उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, पर काज यानी कि दूसरों का काज हो, दूसरों का काम हो। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजान। उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचयन यदि करता है तो परमार्थ के लिए करता है, यानी कि दूसरों के हित के लिए करता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि यदि हम दूसरों के लिए अपनी संपत्ति का संचयन करेंगे तो हमें अंदर से आनंद की अनुभूति होगी। तो आशा करता हूँ ये दोहा आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय श्री राम।